हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती और आप लोगों का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी जो है वो पसंद आ रही होगी। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए अब हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली, रात 8 बजे, कपूर मेंशन। माही और सविता जी ने मिलकर पूरा डिनर रेडी कर लिया था। सभी लोग आकर डिनर टेबल पर बैठ जाते हैं। विवान ने अब तक चेंज कर लिया था और अब वो घर के कपड़ों में था, लेकिन फिर भी काफी हैंडसम लग रहा था। माही की नजर बार बार विवान पर जा रही थी, लेकिन कोई था जो माही को नोटिस कर रहा था कि कैसे वो बार बार नजरें चुरा कर विवान को देख रही है। सभी के डाइनिंग टेबल पर बैठने के बाद मेड सबको खाना सर्व करती हैं। हालांकि ये काम भी सविता जी खुद करने वाली थी, लेकिन दादी ने उन्हें और माही को बैठने को कहा क्योंकि वो चाहती थी कि सब साथ में बैठकर डिनर करें। सबने खाना शुरू कर दिया था। सबको खाना बहुत पसंद आया। विवान के चेहरे पर भी एक हल्की मुस्कुराहट थी। काफ़ी टाइम बाद विवान ने अपनी मॉम के हाथ का बना खाना खाया था, इसलिए वो भी बहुत खुश था। माही ने विवान के लिए स्पेशली गाजर का हलवा बनाया था क्योंकि विवान को गाजर का हलवा बहुत पसंद था, लेकिन उसने सविता जी को मना कर दिया था कि वो ये बात किसी को ना बताए। जब सबने हलवा खाया तो सबने उसकी खूब तारीफ की। विवान भी हलवा खाने के बाद अपनी मॉम की तरफ देखकर कहता है, वाओ मॉम, आपके हाथों में तो जादू है, हलवा सच में बहुत टेस्टी है, यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड, लव यू मॉम। सविता जी विवान की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, इस तारीफ की हकदार मैं नहीं हूँ। सविता जी इससे आगे कुछ कहती तभी माही उनका हाथ पकड़ कर रोकते हुए कहती है, नहीं माँ। दादी दोनों को देखते हुए कहती हैं, बहू क्या बात है, बताओ अब तुम क्या कहने वाली थी, अपनी बात को पूरी करो। सब एक टक सविता जी को देखने लगते हैं। सविता जी माही को आंखों से शांत रहने का इशारा करती हैं और सबकी तरफ देखकर कहती हैं, हलवा मैंने नहीं माही ने बनाया है। सब उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जहाँ तक सबको पता था, माही को खाना बनाना कभी पसंद नहीं था और ना ही उसने कभी सीखा। माही सबको देखकर समझ गई थी कि सबके दिमाग में क्या बात चल रही है। वो सबको एक नज़र देखती है और फिर कहती है, हाँ ये हलवा मैंने बनाया है दादी, और मैंने खाना बनाना सीख लिया है, लेकिन मैं कभी माँ के जैसा अच्छा खाना नहीं बना सकती, माँ के खाने की बात ही अलग है। माही की बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं और माही की तारीफ करते हैं, लेकिन विवान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। लेकिन उससे अब और माही की तारीफ नहीं सुनी जा रही थी, तो वो डाइनिंग टेबल से उठते हुए कहता है, मेरा डिनर हो गया है, मैं अपने रूम में सोने जा रहा हूँ। विवान वहाँ से जाता उससे पहले ही दादी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है और कहती है, विवान बेटा क्या आपके पास थोड़ा समय है, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दादी की बात सुनकर विवान हाँ कहता है और दोनों दादी पोता दादी के रूम में चले जाते हैं। उनको जाता देख माही उस तरफ देखने लगती है। उसे विवान से बात करनी थी, लेकिन विवान माही को ऐसे अवॉइड कर रहा था जैसे वो उसे दिख ही नहीं रही हो। माही को विवान की बेरुखी खल रही थी, ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ जाती है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है। माही खुद को संभालते हुए चेहरे पर एक मुस्कान लिए पीछे मुड़ती है। उसके पीछे विवान के डैड यानी राज कपूर खड़े थे। माही उन्हें देख कर मुस्कुराते हुए कहती है, पापा आपको कुछ काम था। माही की बात सुनकर राज जी कहते हैं, नहीं बेटा कोई काम नहीं था, लेकिन हम अपनी बच्ची के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, क्या आप हमारे साथ गार्डन में चलेंगी। राज जी की बात सुनकर माही मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिलाती है और दोनों गार्डन की तरफ चले जाते हैं। वहीं दादी के रूम में विवान दादी को ले जाकर बेड पर अच्छे से बैठा देता है और उनके बगल में बैठते हुए पूछता है, बताइए दादी क्या बात करनी है आपको मुझसे। दादी विवान का हाथ पकड़ कर कहती है, विवान हम आपसे घुमा फिरा कर कोई बात नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि अब आप शादी कर लो, अब हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। शादी की बात सुनकर विवान हैरान हो जाता है और अचानक से कहता है, दादी प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है और मैं शादी नहीं करना चाहता, तो प्लीज़ आप बार बार इस बारे में कहना छोड़ दीजिए। विवान की बात सुनकर दादी कहती है, विवान हमें ये सब नहीं सुनना, आप हमें बताइए कि कोई लड़की है जिसे आप पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। दादी की बात पर विवान कहता है, दादी ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं,
मैं विवान के आगे कुछ कहने से पहले ही दादी कहती हैं, तो ठीक है, आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि आप ये बात जान लें। फिर थोड़ा रुक कर दादी कहती हैं, आपके दादाजी ने आपके बचपन में ही आपकी शादी अपने दोस्त की पोती से तय कर दी थी। हम चाहते हैं आप उनसे एक बार मिलें, और आपको उनसे मिलना ही होगा। हम कोई बहाना नहीं सुनना चाहते। अगर आप उनसे नहीं मिले तो हम आपसे ज़िंदगी भर बात नहीं करेंगे। दादी की बात सुनकर विवान को तो जैसे शॉक लग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे और क्या करे। उसके दादाजी ने उसका बचपन में ही रिश्ता फिक्स कर दिया, और अब दादी भी उसे ज़बरदस्ती उस लड़की से मिलने को कह रही है और इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हैं। दादी विवान को कहीं खोया देखकर थोड़ा ज़ोर से कहती हैं, विवान विवान कहाँ खो गए आप? आपने सुना ना जो हमने कहा? दादी की बात सुनकर विवान वापस अपने सेंसेस में आता है और कुछ कहने वाला था कि दादी उसे रोकते हुए कहती हैं, विवान आप हमें कल सुबह तक जवाब दे देना, और अभी आप अपने रूम में जाओ, हमें आराम करना है। बेचारा विवान चुपचाप रूम से बाहर निकल जाता है। विवान के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशंस थे, लेकिन वो अपनी सोच में खोया अपने रूम तक पहुंच जाता है और सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नींद तो जैसे उड़ गई थी। कल उसे दादी को जवाब जो देना था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई ओबेरॉय मेंशन, वंश पानी को अपने साथ स्टडी रूम की तरफ ले जाने लगता है। स्टडी रूम में पहुंचकर वंश पानी को सोफे पर बैठने को कहता है और खुद भी सोफे की दूसरी साइड बैठ जाता है और बानी की तरफ देखते हुए कहता है, मिस बानी, मैं जानता हूँ कि आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, आपके कुछ सवालों के जवाब तो आपको अभी मिल जाएंगे। मिस बानी, देखिए, मैं जो अभी कहने वाला हूँ वो शायद आपको अजीब लगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप कुछ रिएक्ट करने से पहले मेरी बात अच्छे से सुन लें। तो अब आप बताइए, क्या आप मेरी पूरी बात सुनने के लिए तैयार हैं? वंश की बात सुनकर बानी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बानी वंश को जवाब देते हुए कहती है, मिस्टर ओबेरॉय, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या आप साफ साफ बताएंगे आप क्या कहना चाहते हैं? वंश थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ बानी से कहता है, पहले आपसे मैंने जो पूछा है आप वो बताइए, अगर आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनेंगी और समझेंगी तभी मैं आपको बताऊंगा। वंश की बात सुनकर बानी थोड़ा घबराते हुए कहती है, ठीक है मिस्टर ओबेरॉय, बताइए आपको क्या बात करनी है, और प्लीज़ साफ साफ बताइएगा। वंश कुछ सोचते हुए कहता है, आई थिंक आई लाइक यू। वंश की बात सुनकर बानी हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे। वंश बानी के चेहरे को देखकर समझ गया था कि बानी को शौक लगा है उसकी बात सुनकर। वंश मन में खुद को कोसते हुए कहता है, ये क्या किया वंश सुने, इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की क्या ज़रूरत थी, कहीं ये शौक की वजह से यहीं बेहोश ना हो जाए, थोड़ा घुमा फिरा कर भी तो कह सकता था तू, लेकिन नहीं। वंश खुद में खोया था कि तभी उसके कानों में बानी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, मिस्टर ओबेरॉय, आई थिंक आपने कुछ गलत कह दिया, राइट? मीन्स आप कैसे मुझसे, मतलब बानी इससे आगे कुछ कहती उससे पहले ही वंश कहता है, आपने जो सुना है वो बिल्कुल ठीक सुना है और वही सच है, लेकिन आप पर कोई प्रेशर नहीं है, आप जितना टाइम चाहें उतना ले सकती हैं, लेकिन मैं आपका जवाब हाँ में सुनना चाहता हूँ। बानी वंश की बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा उसके साथ। कहीं ना कहीं बानी के मन में भी वंश के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन बानी श्योर नहीं थी और उसे अपने पास्ट को लेकर डर लग रहा था। बानी खुद को नॉर्मल करने के लिए एक गहरी सांस लेती है और कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है मिस्टर ओबेरॉय, हम बस दो बार मिले हैं और आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। बानी की बात सुनकर वंश कहता है, कुछ बातें शब्दों में बयां नहीं की जा सकती, और ऐसा ही कुछ फीलिंग्स के साथ है। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके लिए मैं क्या फील करता हूँ, लेकिन आपसे एक अलग ही कनेक्शन है, अलग ही एहसास है जो मुझे आज तक महसूस नहीं हुआ। और रही बात आपके बारे में जानने की, तो जितना मैं जानता हूँ उतना काफ़ी है, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे और जानना चाहता हूँ। वंश की बात सुनकर बानी कुछ कहने वाली थी कि तभी वंश उसे रोकते हुए कहता है, वेट, अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है। और रही बात आपके करियर की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो चाहें वो कर सकती हैं, लेकिन मुझे धोखे और झूठ से सख्त नफरत है, आप इस बात का ध्यान रखना।
जो मेरे साथ ऐसा करने की सोचता है उसे मैं कहीं का नहीं छोड़ता। ये कहते हुए मंच के चेहरे पर थोड़े खतरनाक एक्सप्रेशंस थे, वरना बानी के सामने आज तक वंश ने अपनी ये साइड नहीं दिखाई थी। बानी ने हमेशा वंश की पोलाइट केयरिंग साइड ही देखी थी। आज वंश का अलग रूप देखकर एक पल को बानी भी डर जाती है। जब वंश की नज़र बानी पर जाती है तो वो खुद को नॉर्मल करते हुए कहता है, आप मुझे कल सुबह तक अपना जवाब बता सकती हैं और अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकती हैं। इतना कहकर वंश बानी को देखने लगता है। बानी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन वो थोड़ी डर गई थी वंश की बातें सुनकर। वंश भी उसके एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि बानी उससे डर रही है। उसे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि बानी उससे डर रही है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। 2 मिनट की चुप्पी के बाद बानी कहती है, मिस्टर ओबेरॉय मुझे घर जाना है, क्या आप प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर सकते हैं? वंश बानी की बात सुनकर हाँ कहता है और दोनों सोफे से उठकर स्टडी रूम से बाहर निकल जाते हैं और नीचे आ जाते हैं। वंश बानी को लेकर ओबेरॉय मैंशन से बाहर निकलता है। उनके सामने कई सारी कार्स एक लाइन में खड़ी थी। बॉडीगार्ड्स ने जैसे ही उन्हें बाहर आते देखा, उन्होंने वंश को ग्रीट किया और कार का दरवाज़ा खोल दिया। वंश और बानी दोनों कार में बैठ जाते हैं और गाड़ियों का काफिला सड़कों पर दौड़ने लगता है। कुछ ही देर में सभी गाड़ियाँ बानी के अपार्टमेंट के बाहर आकर रुकती हैं। बानी कार का दरवाज़ा खोलती उससे पहले ही वंश उसका हाथ पकड़ लेता है और प्यार से कहता है, अपना ध्यान रखना। बानी वंश के इस जेस्चर से बहुत हैरान थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो वंश ओबेरॉय को ऑफेंड करने का रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि उसने वंश के बारे में बहुत कुछ सुना था, इसलिए उसे अब डर लग रहा था। आखिर कल ही तो उसे पता चला था कि यह आदमी है कौन और आज उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। बानी को ख्यालों में खोया देख वंश थोड़ा ज़ोर से बानी का नाम लेता है। वंश की आवाज़ सुनकर बानी अपनी सोच से बाहर आती है और जल्दी में वंश से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, थैंक यू सो मच मिस्टर ओबेरॉय, कल आपने मेरी हेल्प की और आज मुझे ड्रॉप करने के लिए। और तुरंत गाड़ी से उतर जाती है और अपने फ्लैट की तरफ जाने लगती है। वंश अभी भी बानी को हैरानी से देखे जा रहा था। ये सब इतना जल्दी हुआ कि वंश को कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। बानी को जाता देख वंश भी वहाँ से निकल जाता है। क्या जवाब देगी बानी वंश को? क्या वंश सच में बानी को पसंद करने लगा है या है कोई गहरा राज? क्या बानी वंश को एक मौका देकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी? क्या बानी अपने पास्ट को भुलाकर वंश को एक्सेप्ट कर पाएगी? क्या वंश है बानी के लिए राइट चॉइस? क्या जवाब देगा विवान दादी को? कौन है वो लड़की जिसकी दादी बात कर रही थी? क्यों माही को कपूर मेंशन के लोग सब इतना पसंद करते हैं? क्या विवान और माही का है कोई कनेक्शन? क्यों विवान माही को अनदेखा कर रहा है? क्या हुआ था विवान और माही के बीच? क्या होगा जब माही को पता चलेगा विवान की शादी के बारे में? क्या विवान और माही एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या मोड़ लाएगी अब बानी और वंश की कहानी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी इश्क एक इबादत। हाँ जी, तो ये था हमारी कहानी का 15th एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को कहानी जो है वो कैसी लग रही है, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप लोग इसको कितना गेस कर पा रहे हैं और इससे कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन है वो लड़की जो जिससे दादी जो है विवान को मिलवाना चाहती है, और बानी क्या जवाब देगी वंश को? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।